हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री में आई हुई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक आसान सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो आज का आसान सवाल जो है, विच ऑफ फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स। जहाँ पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं, वहाँ पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर बताता है। अब बढ़ते हैं हम वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है मटेरियल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, मैसेंजर, MTS और ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा मटेरियल असिस्टेंट पे रहेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क पे रहेगा और फायरमैन पे रहेगा। बाकी अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ सारी पोस्टों के बारे में। सबसे पहले हम मटेरियल असिस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल असिस्टेंट है, इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 का ग्रेड पे है और जो इसका अगर रिवाइज ग्रेड पे जो है 2900 का है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस कैंडिडेट भी फिलअप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा जो है उनका मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए या फिर जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, कोई सी भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट, BA BTEC के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट के लिए। देन अगर फार्मासिस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ग्रेड पे जो है 2900-2200 रुपये का ग्रेड पे रखा गया है और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी में उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन लोअर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए यहाँ पे, तो लोअर डिवीजन जो क्लर्क है उसकी जो ग्रेड पे है 1900-900 रुपये जो है इसका ग्रेड पे है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें भी 12th पास रिक्वायरमेंट है और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड उनको आना चाहिए कंप्यूटर पे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी लैंग्वेज में बात किया जाए 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। देन फायरमैन की बात किया जाए यहाँ पे, तो फायरमैन की जो ग्रेड पे है यहाँ पे 19900 रुपये है रखी गई है और इसमें जो है 10th पास के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर की बात किया जाए यहाँ पे, तो मैसेंजर के लिए यहाँ पे 10th पास की कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। MTS में भी 18000 का ग्रेड पे रखा गया है और इसमें भी 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसी तरह यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट्स जो है उनका भी 10th के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है जनरल्स के लिए मैक्सिमम 27 साल है, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन और ST/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए काफ़ी सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली अगर बात करें जनरल्स के लिए, तो जनरल के लिए जो है 27 साल मैक्सिमम रखा गया है यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट के लिए। इसी तरह बात किया जाए बाकी पोस्ट के लिए, जैसे कि फार्मासिस्ट और LDC, फायरमैन और मैसेंजर के लिए, तो यहाँ पे जो है 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है LDC और फार्मासिस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा जो फायरमैन में है सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है फायरमैन पोस्ट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल रखी गई है जनरल्स के लिए, बाकी जो रिलेक्शन प्रोवाइड होता है वो। देन अब बात करिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है मटेरियल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। इसी तरह अगर हम टोटल वैकेंसीज बात करें LDC की, तो यहाँ पे जो है कि 2 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है, फायरमैन की यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका लगभग 20 वैकेंसी है। देन इसी तरह अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पे, तो 130 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये 130 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है डिफरेंट ऑर्डनेंस यूनिट में आई हुई है, तो वो भी ध्यान रखेंगे किस ऑर्डनेंस यूनिट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं। देन अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और मटेरियल असिस्टेंट को छोड़ के एंड फार्मासिस्ट को छोड़ के आपको जो है कोई भी स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट बात किया जाए और फार्मासिस्ट की बात किया जाए, तो यहाँ पर सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या रहेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा और इसका जो सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का सिलेबस होगा SSC सिलेबस के बेस पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये जो है इसका वेटेज दे रखा है मटेरियल असिस्टेंट के लिए। इसी तरह बात किया जाए LDC और फार्मासिस्ट के लिए, तो LDC फार्मासिस्ट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे देखिए क्या रखी गई है कि 2 घंटे का इनका पेपर होगा और ये भी 10+2 के स्टैंडर्ड लेवल पे रहेगा। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। वेटेज जो है दिया हुआ है 17%, 33%, इस वेटेज पे जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और
अब बात की जाए फायरमैन और एमटीएस और मैसेंजर ट्रिस्मैन के लिए, तो यहाँ पे देखिए इनका भी पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे। और ये जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पे पेपर रहेगा इनका, जिसपे से जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा इसके एग्जाम पैटर्न पे। देन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि फायरमैन, मैसेंजर और ट्रेसमैन है, इनके लिए जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा तो उसमें किस तरह का क्या रहेगा। तो देखिए अभी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट है, तो उस टेस्ट में जो है मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए कोई भी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट नहीं होगा। बाकी जो LDC है तो LDC के लिए 35 वर्ड टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। देन जो फायरमैन है उनके लिए रनिंग रखी गई है 1.6 किलोमीटर के लिए। देन यहाँ पे क्लाइंबिंग रखी गई है, ये सारी चीज़ें जो रखी है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट से रखी गई है। देन MTS के लिए यहाँ पे देखिए क्या रखा गया है, तो MTS के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे रखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जो भी चीज़ दिया गया है। इसी तरह ट्रेसमैन के लिए देखिए, ट्रेसमैन के लिए जो है रनिंग रखी गई है, आपका जो क्वालिफाइंग है टाइम है 6 मिनट में आपको क्वालिफाइंग करना है, और दूसरा जो है 50 kg लेके आपको 200 मीटर दौड़ना है 100 सेकंड में। तो ये जो है इसका ट्रेसमैन का फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट है। इसी तरह जो है आपका फायरमैन है, उसमें भी आपका टेस्ट है जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और जिसमें आपको फायरमैन को 63 किलोमीटर लेके 96 मिनट में 183 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देन क्लाइंबिंग भी है। तो ये सारा जो है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट से हो गया। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन मोड में है, तो ऑफलाइन मोड के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म को मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको किस एड्रेस पर सेंड करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ किस प्रकार का फॉर्म है। तो ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है आपको मिलेगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेके आपको हाथ से फिलअप करके और एक एनवेलप में, एनवेलप के टॉप में जो है आपको लिखना है कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन वो लिखने के बाद आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th के डॉक्यूमेंट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अटैच करके इस फॉर्म के साथ आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो मैं अभी आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ, इस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। तो एड्रेस जो है कुछ इस प्रकार है, ये एड्रेस है यहाँ पे, एक मिनट मैं अभी आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ। ये एड्रेस है, देखिए एप्लीकेशन जो एड्रेस है ये कमांडिंग ऑफिसर CO 8 MTN डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट PI नंबर ये दिया गया है। ये जो है आपको इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है, या फिर पोस्टल स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आपको इसको भेज देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। और जो आपका इन्वेलप रहेगा उस पे टॉप पे लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका भेजने का एड्रेस। तो जो आपको पोस्ट करना है वो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिया हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं, तीनों पोस्ट में आप कोई सभी पोस्ट अपलान इसको भेजने के लिए कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर को जो है इसकी लास्ट डेट है, 20 अक्टूबर को जो है इसकी लास्ट डेट है। इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया होगा। बेसिकली जो है आप जिस कमांडेंट के लिए, जिस कमांडेंट यूनिट के लिए फिलअप कर रहे हैं, उस कमांडेंट यूनिट में जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा, वहाँ पे भी आपका जॉब लोकेशन होगा। सो फ्रेंड यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।